हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं इको गार्डन और आपको हम पूरा ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे इको गार्डन का कि अंदर का नज़ारा कैसा है। और सचमुच बहुत ही खूबसूरत और नज़ारा है। 112 एकड़ में वो फैला हुआ ये इको गार्डन है और आपको हम अंदर लेकर चल रहे हैं इको गार्डन के। इको गार्डन के अंदर कैसा नज़ारा है और इधर देखिए बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई साहब। ये पत्थर की बनी हुई है को सारी मूर्तियां हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखिए लंगूर, गैंडा, बहुत सारे जानवर हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं पत्थर की मूर्तियां। और ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ सब तांबे का बना हुआ है, ना कि ये एक और नॉर्मल पेड़ है। देखिए जब हवा चलता है ना तो इसमें झंझनाहट की आवाज़ भी आती है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये पेड़ को टूट चुका है जो कि कोई पीतल का लग रहा है हमको, पीतल का पेड़ है। और ये जो मगरमच्छ दिख रहा है आपको, ये मगरमच्छ को पत्थर का बना हुआ है और इसमें कुछ मतलब मायावती के शासन काल में ये बना हुआ है इको गार्डन। और इसमें उसी शासन काल में ही को यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ चोरी भी हो गई हैं कि मैंने को आने से पहले नेट पे सर्च मारे थे तो इसमें पता चला है कि इको गार्डन में कुछ मूर्तियाँ चोरी हुई हैं और उसका FIR भी दर्ज हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए जो ग्रीन है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा अच्छा को फूल लगाया हुआ गया है, बहुत ही अच्छा फूल है इसके अंदर। और हम आपको दिखा रहे हैं इको गार्डन का नज़ारा जो कि इस तरह से है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है भाई साहब। और यहाँ पे कपल्स लोग भी आते हैं तो सच में काफ़ी अच्छा है ये। लोकेशन है और आप यहाँ पे आकर घूम सकते हैं, सच में बहुत ही जगह जगह है। और ये देखिए इधर का है और हम आपको इधर भी लेकर चल रहे हैं। और ये सच में जो पेड़ दिख रहे हैं वो सबको पीतल के बने हुए हैं, पीतल और पत्थर के बने हुए मूर्तियाँ हैं। और इसमें मायावती के शासनकाल में ये को बना हुआ है इको गार्डन। और इसमें चार पांच मूर्तियां जो तांबे की बनी हुई थी वो को चोरी हो गई हैं, उसका FIR भी को यहाँ पे लखनऊ में को दर्ज है जो कि आप को नेट पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इको और यहाँ पे भैया सारे को पड़े हुए हैं और आपको हम दिखाते हुए लेकर चल रहे हैं। ये जो बांस का पेड़ है इसमें कुछ लोहे की वो बनी हुई है
और कुछ को पीतल का बना हुआ, और जो पत्तियाँ हैं वो पीतल की हैं, बाकी और लोहे का है बना हुआ। जो लोग नहीं आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए वो हमारे वीडियो पे देख सकते हैं। इसमें झंझनाहट की आवाज़ भी होती है, जब हवा तेजी से चलता है तो इसमें ज़्यादा तेजी से आवाज़ आता है जब टकराते हैं पत्ते। बहुत पहले लगा हुआ था ये, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हाँ, खूबसूरत जगह है भाई साहब, और मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा घूमने, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इको गार्डन, और इसके बगल में एक काशीराम करके एक पार्क है, वहाँ पे भी आकर सकें, घूम सकते हैं आप।